बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने एक नए ब्लॉग के साथ, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग सब खैरियत से रहें। अल्लाह पाक कोई भी गम और परेशानी आप लोगों तक ना पहुँचाए, आमीन सुमा आमीन। और इस ब्लॉग में मेरी कोई रेसिपी की डिश नहीं होगी, कोई भी रेसिपी नहीं बनाऊंगी, बस मैं डेली रूटीन का ब्लॉग है ये, जो मैं सुबह उठकर कुछ काम करती हूँ जो भी वो सारे हैं। तो यहाँ पर मैं, ये सुबह का वक्त है, मॉर्निंग का वक्त है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सरिया रही हूँ, सेट कर रही हूँ बिस्तर को। ठंड आ गई है तो हल्की हल्की ठंडी लगती है, मौसम खुनक हो गई है खुनकी। तो ये कंबल ब्लैंकेट वगैरह हमने थोड़ा निकाला है इसे, तो अब हम लोग भी यही सब ओढ़ रहे हैं, थोड़ा हल्का सा ब्लैंकेट ले रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है। बहुत ज़्यादा तो नहीं आया है लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा बहुत आ ही गया है, इस कदर ठंड लगती है रात में। और यहाँ पे मैं बेड को सब सरिया रही थी, सब तकिया वगैरह सब सेट कर रही थी, चादर सब ठीक करूँगी। और ये मॉर्निंग का वक्त है और मेरा बेटा चला गया स्कूल गया है, उसे मैंने भेज दिया है, तब मैं ये सब काम कर रही हूँ। और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। मैं वो सब रूटीन आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ी और मॉर्निंग की रूटीन जो मैं 6 बजे से उठकर करती हूँ। लेकिन ये मेरा रूटीन है जब मेरा बेटा चला गया स्कूल, और उसके बाद का रूटीन है। मैंने मॉर्निंग टी भी ले ली और नमाज भी मैंने पढ़ ली, और उसके बाद मैं बिस्तरों को ठीक ठाक कर रही थी। तो वही मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आज मैं मेरे ब्लॉग में यही सब कुछ रहेगा, रेसिपी कुछ नहीं होगी। और थोड़ी घबराहट भी हो रही है मुझे, क्योंकि मैं और खुशी भी है मुझे बहुत, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है अगले महीने दिसंबर की लास्ट में शादी है। तो मैं उसका ब्लॉग, शादी का ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शेयर करूंगी। और दिल भी बहुत घबरा रहा है, बहुत अजीब सा फील होता है, क्योंकि सब कुछ अकेले ही मैंने करना है, मुझे ही करना है अकेले, क्योंकि मेरे हस्बैंड है नहीं इस दुनिया में, मेरी बेटी को अकेले ही मुझे सब कुछ करना है। वैसे तो पूरी फैमिली के लोग मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आती है जो एक हस्बैंड के रहने से, एक फादर के रहने से होती है, वो बात तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ये सब सोचकर मेरा मन बहुत ही उदास होता है, सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि मैं सब कुछ कैसे अकेले मैनेज करूँगी। लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए सब दुआ करें कि सब कुछ मेरा अच्छा से ठीक ठाक से हो जाए, मेरी बच्ची की शादी खैरियत के साथ हो। और आप लोगों के साथ मैं पूरी वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जितनी भी मुझसे हो सकेगी मैं कोशिश करूँगी सारे क्लिप लेने की। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी बेटी के लिए दुआ करेंगे, मेरे घर के लिए। तो यहाँ पे मैं अब वो सब मैंने सेट कर ली हूँ, सरिया ली हूँ, बिस्तर वगैरह कर ली हूँ ठीक ठाक, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, अपने बेटे को मैंने दे दिया है टिफ़िन वगैरह, वो चला जाता है 7:30 बजे, वो बिल्कुल निकल 7:30 बजे बिल्कुल निकल जाता है वो घर से। और यहाँ पर मैं अपने और अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सत्तू की पूड़ी, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग खाते हैं सत्तू तो उन्हें तो पता ही होगा, सत्तू की पूड़ी बना रही हूँ मैं। इसकी रेसिपी मैं नहीं डाल रही, बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ कि मैं नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पर। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, आप लोग अपना हाल बताएं, आप लोगों का कैसा चल रहा है। तो ठंड का मौसम तो लगभग आ ही चुका है, अब बाकी जगहों में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ पे बंगाल में ठंड कम है, लेकिन रात में सोते वक्त बहुत ठंड लगती है। तो और अभी मेरे घर में शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो इसलिए सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मसरूफ़ भी हूँ मैं, थोड़ी बिज़ी भी हो गई हूँ, इसलिए ब्लॉग में थोड़ा लेट कर देती हूँ डालने में, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त रहा नहीं और अगले महीने ही शादी है, तो इसीलिए मेरा
व्लॉग बहुत नहीं बना पाती हूँ, मतलब मार्केट वगैरह चली जाती हूँ या फिर घर पे ही कोई आना जाना लगा रहता है और बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा एक लड़की की शादी में कितनी मतलब कितने सारे काम होते हैं, जितना भी करो कम है। तो वही चीज़ मेरे साथ है और मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं और इसके पापा, मतलब बहुत कमी महसूस हो रही है। मैं अपनी तकलीफ़ किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, बस अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लगता है मुझे, लेकिन फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए और खुशी के साथ, दुआओं के साथ मैं अपनी बेटी को इंशाल्लाह रुख्सत करूँगी। और आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा हम लोगों को, हमारी बेटी को। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। कौन कौन लोग बनाते हैं सत्तू की पूरी ज़रूर बताएं। हम तो बनाते हैं, मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी नाश्ता में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है, तो यही सब बना लेती हूँ। और मार्केट वगैरह गई हूँ तो वहाँ का भी मैंने थोड़ी क्लिप ली थी तो वो मुझसे डिलीट हो गई, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। वो वीडियो मैं बनाई थी लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गया, तो इसलिए मैं ना व्लॉग नहीं बना पाई। फिर बहुत दिन हो गया तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज कोशिश करती हूँ। सुबह का तो रूटीन मैं कर ही नहीं पाई जो मैं 6 बजे से उठकर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जब मैं नाश्ता वगैरह बना रही तो सोचा मैंने एक व्लॉग बना लूँ यहीं से, तो इसलिए मैं बनाने लगी। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बहुत सन्नाटा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता फिर। नाश्ते में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या क्या बनाते हैं भाई, कुछ तो शेयर करें हमसे तो अच्छा लगेगा मुझे। और अभी वेडिंग सीज़न है तो हर जगह शादियों की धूम मची हुई है, बहुत ज़्यादा शादियां हो रही है। जहां भी बाहर निकलती हूं तो लाइट्स वगैरह नज़र आते हैं और शादी हो रही होती है, तो बहुत सारे मतलब गाड़ी वगैरह सजे होते हैं बारातियों के बहुत। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत बिज़ी हूँ और अकेले हूँ तो उतना मतलब वीडियो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन शादी का ब्लॉग इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी वीडियो को वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो इस तरह से मुझे सपोर्ट हो जाएगा और मुझे अच्छा भी लगेगा क्योंकि मैं बिज़ी रहना चाहती हूँ। मैं अपने जहन में फालतू और की बातों को नहीं लाना चाहती, इस वजह से मैं अपने व्लॉग्स में बिज़ी रहती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा मसरूफियत हो गई है। तो ये देखिए मैं पूरियों को तल रही हूँ, पूरी को मैं इसी तरह से बनाती हूँ, पूरी सत्तू की। सत्तू में मैं मंगरेला जो कलौंजी जिसे बोलते हैं वो डालती हूँ और नमक और हरी मिर्च काटकर, धनिया की पत्ती काटकर डालती हूँ और यही सब, अजवाइन का पाउडर थोड़ा डाल देती हूँ। तो और अगर मसाला आप लोग चाहें तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं, हल्का हल्का पाउडर जो होती है, जैसे कि हल्दी पाउडर थोड़ी सी कलर के लिए, काली मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च, जैसे तीखा चटपटा खाना है तो वो ये मसाले भी डाल सकते हैं। और इन्हें थोड़ा चटखारेदार बनाना है तो थोड़ा सा अचार का मसाला डाल दें तो इससे सत्तू की पूरी बहुत लजीज बनती है, लेकिन मैं आज ऐसे ही बना रही हूँ प्लेन सा।
तो नाश्ते में मैं यही सब कुछ बनाती रहती हूँ, कभी सब्ज़ी बनाती हूँ कभी कुछ भी। तो दो ही आदमी हैं मैं और मेरे मैं अपने बेटे को दे देती हूँ टिफ़िन, तो वो तो चला जाता है, तो फिर मैं ही और अपनी बेटी ही को के लिए बनाती हूँ बहुत कम। और इस तरह से उसे लोई में भर करके इसे गोल बेल ले और इसे फ्राई कर दीजिए, तल लीजिए तेल में, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे अचार के साथ या फिर जलेबी के साथ या फिर दही या फिर घी के साथ भी बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं वो प्लीज़ इस तरह से बना कर खाएँ, बहुत अच्छे लग बहुत ही मज़े की बनती है ये पूरी। चने की दाल की पूरी हो या फिर कह लें जो भी आलू की पूरी, अभी तो जाड़े का मौसम आ गया है तो आलू की पूरियां तो हर घर में बनेंगी ही बनेंगी, और ये बहुत शौक़ से सब खाते हैं। ठंड में तो बहुत ज़्यादा लजीज होती है ये, मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा इस पूरी के आगे। आलू की पूरी जो होती है वो नए आलू आते हैं उसकी, बहुत मज़े की बनती है। तो ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है देखने में। तो मेरी एक पूरी रेडी हो गई है, तो ये देखिए मैंने सारी पूरियों को अच्छे से बेल कर फ्राई करके रख लिया है तल करके। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ठंड का मौसम आ गया तो ये सब स्वेटर वगैरह हैं, तो ये सब देखिए धूप लगा रही हूँ, लेकिन आज धूप ज़्यादा तेज़ नहीं निकली है, थोड़ा सा बादल घिरा हुआ है और हल्की हल्की ठंड बढ़ी हुई लग रही है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए ठंड का मौसम आ गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, धूप तेज़ नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मौसम है और ठंड ठंड लग रही है। और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के लिए बैठ चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है, आ जाएं आप लोग भी। तो ये देखिए मैं जलेबी और अचार लेकर बैठ गई हूँ, आप चाहें तो अंडों के साथ भी खा सकते हैं। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करें अपने रिलेटिव्स में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय।